आप देख सकते हो कितना सारा ज्वेलरी है, ह्यूज हॉल होने वाला है। जितने भी आउटफिट्स होती है सबके लिए अलग अलग टाइप के ज्वेलरी होती है। ही गाइस, मैं समीक्षा, आप देख रहे हैं समीक्षा प्रज्ञा बी कन्फर्म्ड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली ह्यूज ज्वेलरी हॉल, अब तक का ये सबसे बड़ा हॉल होगा। और इस वीडियो में ज्वेलरी हॉल तो आप देखोगे, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, ये मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको भी चाहिए इस तरीके का मेकअप लुक तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बाय द वे, मैं बहुत सारा इंस्टाग्राम पे रील बनाई हूँ, अगर आप उन रील्स को देखना चाहती हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये जो मैं इंस्टाग्राम आईडी दे रखी हूँ उस पर आप मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं उस पर बहुत सारा रील्स बना, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं और रात के 11 बजे मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज थोड़ी सी आप लोग मुझे सपोर्ट करो, प्यार दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, लेट्स गो स्टार्ट। आप देख सकते हो कितना सारा ज्वेलरी है, और ये इनफैक्ट इतना ही नहीं है, और भी ज्वेलरी है। आप देख सकते हो ये देखो, ह्यूज हॉल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक बने रहो। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस ज्वेलरी को दिखाने के लिए, और मैं पहनने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे कुछ ओकेजन ही नहीं मिल रहा है जो मैं इन सब ज्वेलरी को पहनूं। इनफैक्ट मेरे फिर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुछ दिनों के लिए फिर से मैं यूट्यूब में भी स्किप कर दूंगी, लेकिन फिर मैं 1 मंथ के बाद फिर से मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगी, तो इसके लिए सॉरी। बट अभी के लिए मैं ये चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ज्वेलरी मैं दिखा रही हूँ, मीशो का है और कुछ इस तरीके का आपको पैकेट में मिलता है। और देन आपको यहाँ पे एक ज्वेलरी सेट मिलता है, और ये डेस्टिनी ज्वेल्स है, और ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना जो स्पॉन्सर से मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं खुद परचेज की हूँ और ये मीशो से मैं परचेज की हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का आपको कार्टून में मिलता है, छोटा सा क्यूट सा बॉक्स है, और इसके साथ आपको ज्वेलरी मिलता है, और ये एक बबल्स के पैकेट में रैप होकर मिला है, और इसमें ये है लेयर्ड चेन, यानी कि ये 4 लेयर में है, यानी कि आप सॉरी मल्टी लेयर चेन है, जिसमें का मैं इसमें का 2 लेयर मैं पहन चुकी हूँ इसमें से, क्योंकि आप इसे अलग अलग कर सकते हो। तो आप इसे खोलते हो तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, और ये फिलहाल अभी ये 2 लेयर है, ये मल्टी लेयर चेन है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इनफैक्ट इसकी चेन बहुत ही पतली है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पतला चेन थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, मोटा चेन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसकी शाइनिंग। इनफैक्ट ये जो पर्ल्स है ना, पर्ल्स कह सकते हैं सॉरी स्टोन, ये स्टोन बहुत ही शाइनिंग है, और ये मल्टी कलर है, तो आप बहुत सारे आउटफिट पे आप इसे पहन सकते हो। और इनफैक्ट आप देख सकते हो आप इसे अलग करके भी आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं अभी यूज की हूँ। आप मल्टी लेयर चेन लेते हो ना, तो आप बहुत तरीके से यूज कर सकती हो, सिंगल लेयर वाली आप इसको यूज कर लो, फिर डबल जैसे मैं ये यूज की हूँ, या ट्रिपल भी यूज कर सकती हो, आप मल्टी लेयर तो है ही, तो आप एक चेन को आप बहुत सारे तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकती हो। आपको बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डबल लेयर थर्ड लेयर एक मल्टी लेयर चेन लो और हर तरीके से इसे स्टाइल कर लो। मुझे ये बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आप चाहो तो अपने लिए जरूर परचेज करना। अब बता दो इसका यूज कब होता है, तो मल्टी लेयर जो चेन होती है, जैसे इसका ज्यादा यूज है आप वेस्टर्न ड्रेस पे कर सकती हो, या कुछ जींस टॉप पे कर सकती हो, या कभी आप सूट पे भी डाल सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा वेस्टर्न ड्रेस पे, या फिर जींस टॉप पे डालोगे टॉप्स पे, तो बहुत ज्यादा अच्छा वाला यह लुक देता है। तो इस चेन को जरूर ट्राई करना, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि एक तरह का ज्वेलरी से आपका हर आउटफिट पे नहीं जाता है। जितने भी आउटफिट्स होती हैं सबके लिए अलग अलग टाइप के ज्वेलरी होती है, तो आप कुछ भी किसी भी आउटफिट पे ज्वेलरी मत पहना करो, मेरे तरफ से ये टिप्स हैं। ते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ, एक ज्वेलरी में मैंने बहुत टाइम ले लिया सॉरी, और ये ज्वेलरी है, ये भी मीशो का है, और मीशो का जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली कुछ इस तरीके के पैकेट में आते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको यहाँ आपको एक बॉक्स मिलता है क्यूट सा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ज्वेलरी स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। शॉपिंग करती हूँ तो इसके साथ आपको एक ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है,
और इसके साथ आपको ये चोकर सेट मिलता है। बहुत ही प्यारा सा ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है और ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये मैं होली पे पहनी थी और बहुत सारे लोगों ने कम्प्लीमेंट्स भी दिया, ये ज्वेलरी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और इस ज्वेलरी की मैं डिजाइन की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है और यहाँ पे कुछ झुमकी मिल जाता है जो आपके चोकर सेट को और भी ज्यादा लुक को इन्हांस करता है। तो इस तरीके का चोकर सेट डेफिनेटली होना चाहिए। वेस्टर्न ड्रेस पे आप इस तरीके का डाल सकती हो या किसी भी लाइक ज्यादा ये सूट पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सूट पे इस तरीके का आप चोकर सेट लगाते हो तो बहुत ही मस्त वाला लुक रहता है, ट्राई जरूर करना। इसके साथ आपको मिलता है दो ब्रेसलेट और आपको अलग से आपको कंगन खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो आप ये ब्रेसलेट लगाते हो बहुत ही अच्छा लुक देता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सी ये ब्रेसलेट है और बिल्कुल भी हेवी लुक नहीं देगा, क्योंकि हर समय हेवी लुक अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी लाइट ज्वेलरी ही पहनना चाहिए जिससे आपका लुक ज्यादा भड़कीला ना हो, एकदम सोवर कूल आपका बहुत ही अच्छा सा लुक आपका हो। तो इस तरीके का ज्वेलरी आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। इनफैक्ट एक शौक के लिए एटलीस्ट एक बार ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जरूर ट्राई करो। मुझे पर्सनली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मैं सच बताऊं तो मैं बस एक ट्रायल की हूं और आई थिंक ये मेरा सेकेंड परचेज होगा ये ज्वेलरी। इसमें आपको दो इयर रिंग भी मिलते हैं, प्यारा सा छोटू सा, और मुझे तो बस ये राउंड वाला मिला, ये झुमकी नहीं मिला था। तो मैं इस झुमकी को मैं चोकर सेट में से निकाल के मैं यहाँ लगा दी तो इससे लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो इस तरीके का ज्वेलरी सेट आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ। ये ज्वेलरी है मीशो का या तो पहले मैं मीशो से ये स्टार्ट कर ली हूँ। तो इसके बाद ये आपको क्यूट सा आपको यहाँ अगेन बॉक्स मिल जाता है और ये है ब्राइड के लिए स्पेशली और हल्दी ओकेजन में बहुत ही अच्छे से ये ज्वेलरी जाएंगे। इसे ओपन करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी आपको यहाँ पे मिलता है और ये जो आप लेस देख रहे हो ये मैं खुद से थोड़ा सा DIY की हूँ इस लेस को लेकर, क्योंकि एज ए मैं ब्रेसलेट इसे बना दी हूँ। कुछ ऐसा सा लुक आपको मिलेगा, वैसे ये था कुछ इस तरीके का लुक बट मैं इसे थोड़ा सा इनोवेशन करके मैं कुछ ऐसा लुक बना दी हूँ। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये लुक कैसा लग रहा है, पहले वाला अच्छा था ब्रेसलेट या अब वाला अच्छा है ब्रेसलेट। तो इसके साथ आपको दो ब्रेसलेट मिल जाता है, ओके ठीक है, चोकर सेट मिलता है और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है ना, बहुत ज्यादा खूब, मेरा तो दिल ही आ गया इस पे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे यूज करने के लिए। तो और इसकी डिजाइनिंग की मैं बात करूँ तो ये जो फ्लावर है ये किसिस का है लेकिन ये कपड़ा टाइप का है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे कपड़े का ही यहाँ पे डिटेलिंग किया गया है और यहाँ पे ये भी बिट्स ही कहते हैं, बिट्स में इंक्लूड होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ये जो लटका हुआ है ये पूरा पर्ल है और ये गोल्डन में है इसका कड़ी आप कह सकते हो और बहुत ही प्यारा लुक देगा और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे यूज करने के लिए। तो दो इयररिंग भी मिलते हैं आप देख सकते हो, है ना प्यारा क्यूट सा। और ये जो इयररिंग था ना बहुत लंबा था तो मैं इसे थोड़ा सा कट कर दी इसे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इनोवेशन किया है। तो जो स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ इस तरीके का ही ये ज्वेलरी है बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनोवेशन किया है। ठीक, आपको यहाँ पे मांग टीका मिलता है, बहुत ही क्यूट सा है और इसकी डिटेलिंग सब कुछ सेम है, बस इसमें मैं थोड़ा सा इनोवेशन की हूँ। तो ये जो मैं इनोवेशन की हूँ प्लीज कमेंट करके बताना मेरा ये इनोवेशन कैसा है और ओरिजिनल में ज्यादा अच्छा है या जो मैं इनोवेशन की हूँ वो ज्यादा अच्छा है, तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर कोई ब्राइड है तो डेफिनेटली इस तरह की ज्वेलरी जरूर ट्राई करिए और ये ज्वेलरी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अफोर्डेबल है। क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बेस्ट है, आप जरूर ट्राई करो अगर आप ब्राइड हो तो। नेक्स्ट ये है फ्लिपकार्ट से है और पैकेजिंग देखिए आप, देन आपको यहाँ पे एक ज्वेलरी बॉक्स मिलता है पिंक कलर का, क्यूट सा, बहुत ही प्यारा, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया और ये रूबंस का है। आई थिंक मैं ये मेरा सेकेंड परचेज होगा रूबंस का, और रूबंस के जितने भी ज्वेलरी होते हैं बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो आप इसे ओपन करते हो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स दे रखा है और यहाँ पे इसकी स्लिप है, देन आप इसे ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे ज्वेलरी मिलता है
और नेक्स्ट आप यहाँ पे ये बबल्स के पैकेट में रैप होके मुझे रिसीव हुआ है और ये है मेरा ज्वेलरी और इसे प्रोटेक्शन के लिए एक और यहाँ पे स्पंज दिया हुआ है तो आपकी ज्वेलरी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो ये बहुत ही प्यारा सा चोकर सेट है और ये चोकर सेट आपको तब यूज ज्यादा होता है जब आप वेस्टर्न ड्रेस या तो फिर आप लाइट ड्रेस कुछ पहनते हो गाउन वगैरह तो उसमें फैंसी गाउन में तो ये ज्वेलरी डालती हो तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है और मैं इसे अभी यूज भी नहीं की हूँ और ये कल ही मुझे डिलीवरी हुआ तो मेरी मॉम भी देखी इस ज्वेलरी को तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही थी, बोली बहुत ज्यादा खूबसूरत डिजाइन है, इसकी चमक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ इस ज्वेलरी पे मेरा दिल ही आ गया, वाओ बहुत ही बेस्ट है वेस्टर्न ड्रेस की। और जो भी गाउन वगैरह उस पे जरूर ट्राई करो। और छोटी सी यहाँ पे इयर रिंग है, हर टाइम हेवी लुक अच्छा नहीं लगता, कभी कभी लाइट ज्वेलरी भी पहनना चाहिए, उससे अच्छा लुक आता है, एलिगेंट लुक मिलता है। और इनफैक्ट अगर पार्टीज वगैरह में जाती हो, बर्थडे वगैरह में, तो उस समय इस टाइप के ज्वेलरी बहुत ही आपके आउटफिट्स पे अच्छे से जाएगा। तो वेस्टर्न ड्रेस या लाइट इस तरीके का गाउन है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो ये ज्वेलरी मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, प्लीज इस ज्वेलरी को जरूर परचेज करना। अगेन ये फ्लिपकार्ट का है और इसकी पैकेजिंग तो इतनी बड़ी आई है ना, और ज्वेलरी देखोगे तो इतनी छोटी सी है, मुझे लगा बहुत बड़ा होगा, यार मुझे तो ये बुद्धू ही बना दिया। तो बस इसे ओपन करते हैं तो इसमें भी एक ज्वेलरी सेट मिलता है, बॉक्स इसके बहुत ही बड़े हैं, अंदर जाओगे तो इतनी छोटू सा है। तो ये है जबड़ी का है, जबड़ी का भी ज्वेलरी ठीक ही होता है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक होता है, लेकिन रूबंस का बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो ये ज्वेलरी आपको यहाँ एक मिलता है बस, और इसे ओपन करते हैं तो ये ज्वेलरी है, चोकर सेट है, प्यारा सा छोटू सा, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, तो ये बहुत ही प्यारा सा है और पतला सा है चोकर सेट है, और मुझे पर्सनली चोकर सेट बहुत ज्यादा पसंद आते हैं इसलिए मैं चोकर सेट ज्यादा लेती हूँ। और चोकर सेट जो होता है बहुत सारे आउटफिट पे चला जाता है, इसलिए मैं चोकर सेट पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लंबी या बड़े वाले जो भी ज्वेलरी सेट होते हैं तो अगर प्लेन होंगे आपके ड्रेस तब भी वो ज्यादा अच्छे से जाते हैं, तो ये वाला प्लेन ड्रेस हो या आपकी बहुत ज्यादा तामझाम वाली ड्रेस हो, प्रिंट वाले हो या तो फिर गला छोटा भी हो, तो आप चोकर सेट डालोगे तो बहुत ही अमेजिंग लुक आता है। दूसरी चीज आपकी किसी भी आउटफिट पे चला जाता है जिसकी वजह से स्टनिंग लुक मिलता है, इसलिए मुझे चोकर सेट बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आपको चोकर सेट में आपको यहाँ पे डिटेलिंग्स के लिए यहाँ पे एडी है, स्टोन दिया हुआ है और यहाँ पे बीट्स लगे हुए हैं, प्यारा सा आप देख सकते हो। देन इसका ये गोल्ड प्लेटेड है ये, और इसकी इयर रिंग बहुत ही छोटू सा है आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा इयर रिंग है, बट इसकी क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, ओके ओके टाइप से है, बहुत ज्यादा क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज इसकी मैं रेटिंग देखी तो भड़बड़ के रेटिंग आए थे और रेटिंग इसकी बहुत ही अच्छी मिली है फीडबैक, तो मैं रेटिंग देख के ही मैं इसे परचेज की। तो हाँ अच्छा लगता है पहनने पर, लेकिन देखने में लगता है थोड़ा सा चीप क्वालिटी का है, बट हाँ ठीक है। और मैं इसे परचेज की बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, 120 में मैं इसे परचेज की हूँ पर्सनली। अभी आप ऑनलाइन में जाके देखोगे तो 300 समथिंग है, तो ऑनलाइन के चक्कर में कभी कभी पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, तो किसी किसी चीज का ना प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आते हैं उसे ऐड टू कार्ट कर ले और बार बार कभी कभी आप देख लिया करो, अगर जब प्राइस गिरता है तब आप परचेज करो, तब आपके पैसे सेव होंगे। तो ये सब टिप्स है तो जरूर आप लोग आजमाना, क्योंकि आप लोग फंस मत जाना, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में फंस गई हूँ, मैं बहुत सारा पैसा देती हूँ। इनफैक्ट जो चीज 500 की है मैं उसका 800 रुपया ऑनलाइन देखी और मैं 800 रुपया पे कर दी और मेरा 300 फालतू का चला गया। मैं इस सब चीज में बिल्कुल भी तेज नहीं थी, बहुत ही डम थी और मुझे सब चीज की नॉलेज नहीं थी, मुझे ऑनलाइन ही ऑनलाइन शॉपिंग करने नहीं आती थी, बट अब मैं आज के डेट में बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हूँ, तो मेरे साथ कनेक्ट रहना, मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाऊंगी, ठीक है ना। तो प्लीज अब मैं जो बताई हूँ उसे ध्यान रखिएगा, ओके। और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और वीडियो अभी 11:30 बज चुके हैं और मैं वीडियो अभी शूट कर रही हूँ,
तो प्लीज लाइक तो बनता है ना, लाइक जरूर करना है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आती हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड या किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर देना। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन में भी ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट आप इस चैनल के फैमिली मेंबर भी बन जाओगे, और इस चैनल के फैमिली मेंबर बनना बिल्कुल फ्री है। देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और हाँ, सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चाहो तो अपने लिए परचेज कर सकती हो। और मैं से मिलती हूँ अकॉर्डिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।